नमस्ते दोस्तों, मैं झुमा घोष, आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं स्नैक्स क्रिस्पी नमक पारांच, तो नमकीन नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, आप इसको बनाकर एयरटाइट कंटेनर में 15 से 20 दिन तक रख भी सकते हैं, कोई भी त्योहार में भी अभी बना सकते हैं। 500 ग्राम मैदा लिए हैं, 2 टीस्पून नमक लिए, नमक थोड़ा ज़्यादा लगता है, 1/2 टीस्पून क्यूमिन सीड्स लिए हैं, जीरा है 1/2 टीस्पून, ब्लैक क्यूमिन सीड्स लिए, इससे इसका स्मेल और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। 50 ml तेल लिए हैं सनफ्लावर ऑयल, ये करीब 5 टेबलस्पून है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, तेल डालने के बाद देखिए थोड़ा छोटा छोटा बॉल्स हो जाता है, इसको हम मैदा में अच्छी तरह से तेल को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा मैदा भीगा भीगा हुआ लगेगा। अब इसमें हम पानी मिक्स करेंगे, ये डो बहुत सख्त हम बनाएंगे तब ये नमकीन क्रिस्पी बनेगा। करीब 100 ml पानी लिए हैं हम, ये डो मेरा तैयार हो गया, इसको हम 15 से 20 मिनट तक ढक के रख देंगे। ये मेरा 15-20 मिनट बाद हम इसको अब थोड़ा बड़ा आकार का डो बनाएंगे, करीब 5-6 डो बन जाएगा इससे। अब इसको हम बेल लेंगे, इसमें थोड़ा सा हम तेल लगाएंगे, नहीं तो नमकीन चटकी में चिपक जाएगा। तेल लगा के हम बेलेंगे, एक बड़ा आकार का रोटी की तरह हम बेल लेंगे, देखिए इस तरह से। और ये थोड़ा रोटी जो हम बनाएंगे थोड़ा मोटा रहेगा, थिक रहेगा। अच्छी तरह से देख लीजिए, इतना थिक रहेगा। हम इसको अब कटिंग करेंगे। हम किचन में दो तरह के नाइफ यूज़ करते हैं, एक सॉ टूथ नाइफ यूज़ करते हैं, एक प्लेन नाइफ यूज़ करते हैं। हम सॉ टूथ नाइफ में अगर काटेंगे तो हमको धीरे धीरे करना पड़ता है, अगर प्लेन नाइफ से हम काटते हैं तो इस देखिए इस तरह से स्मूथली हम काट सकते हैं। ये अब हम इस तरह से काटेंगे, अब आपके शेप के अनुसार काट सकते हैं। इसको हम थोड़ा लंबा काटते हैं क्योंकि ये थोड़ा कुरकुरे नमकीन होगा, काटने के बाद जो छोटा छोटा टुकड़ा रहता है उसको हम निकाल लेते हैं, नहीं तो ये बड़ा टुकड़े के साथ अगर फ्राई करेंगे तो ये जल जाएगा। अब हम दूसरी प्लेट में थोड़ा तेल लगा लेंगे, उसमें ये नमक पारा को नाइफ से निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से हम निकाल लेंगे। अब मेरा तेल गरम करेंगे, ये हाई फ्लेम में हम पहले तेल को गरम कर लेंगे, फिर जब हम फ्राई करेंगे इसको फ्लेम को हम लो कर देंगे। तेल गरम हो चुका है, एक पीस नमक पारा देके हम टेस्ट कर लिए, तुरंत ऊपर आ जाने से हम इसको अब बाकी नमक पारा इसमें दे देंगे। देखे हम इसको हर वक्त इसको थोड़ा सा हम चलाते रहेंगे, नहीं तो ये फूल जाएगा, ये फूल जाने से नमक पारा क्रिस्पी उतना नहीं होगा। इसका फ्लेम को हम हर वक्त लो रखेंगे, इसको हाफ फ्राई करके हम इसको निकाल लेंगे। 2 से 3 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे। इसका कलर अब देख लीजिए, ये ठंडा होने के लिए हम छोड़ दिए थे, ये देखिए अब ठंडा हो चुका। इस बीच हम और एक सेट तैयार करके रखे हैं साइड में, ये ठंडा जो हो चुका उसको हम, तेल गरम है इसमें और एक बार हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए 2 से 3 मिनट फिर फ्राई करेंगे हम, ये फ्राई करीब हो चुका, हल्का लाइट ब्राउन होगा। अब इसको हम एक टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे, इसका जो एक्स्ट्रा तेल है वो टिश्यू पेपर में एब्जॉर्ब कर लेगा। ये मेरा तैयार हो गया नमक पारा, ये ठंडा होने के बाद हम सर्व करेंगे, इससे ये बहुत अच्छा क्रिस्पी बनेगा। ये देखिए ये नमक पारा बच्चों को बहुत पसंद है, बड़ों को भी पसंद है, ये देखिए हमारे घर की बिल्ली को भी बहुत पसंद है, किस तरह से खा रही है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।